भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। कुछ दिन पहले की हम लोग जा रहे बात को लेकर के, कहे कि एक जमशेदपुर दोहमानी बोल के नाम है, जो कि आपका टाटा से ये आप रांची की ओर जाएंगे तो ये सामने आपको पड़ेगा, वहाँ रास्ता ये होगा, वहाँ पे एक फुलिया है जो कि सेतु है, उसको बिरसा सेतु के नाम से जाना जाना लगा था, इस प्रकार का बात है। और अब रघुनाथ महतो का ये सेतु बनाया जाने का बात हो रहा था, तो कितना इसको इस लड़ाई में भाई साहब भी यानी कि भैया जी भी शामिल थे। तो सर आप तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ मुखर्जी है। तो उस लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे थे, यानी कि उसमें आप भी शामिल थे, आपका भी वहां पे दिखाया, आप वीडियो दिखाने में दिख रहा, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि वहां का मामला पहले क्या है। देखिए, मामला ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये सेतु का नामकरण हुआ था धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम, आज से 3-4 साल पूर्व। और ये अचानक से वहाँ पे किसी कारणवश बोर्ड गिर जाता है, और उसके बाद बीते 4 तारीख रात को कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, जो कि कुर्मी समाज के नाम पे वहाँ पे शहीद रघुनाथ महतो का मूर्ति लगाते हैं और वहाँ पे उस सेतु का नाम कर देते हैं रघुनाथ महतो सेतु जी, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, तो इसी को लेके हम लोग 5 तारीख को उन्होंने उद्घाटन किया, इसी को लेके 5 तारीख शाम से हम लोगों ने आंदोलन किया है। इस आंदोलन में क्या दिखा आपको? इस आंदोलन में यही दिखा है कि दोनों पक्ष जो है और अपने अपने वार्ता रख रहे हैं। जहां तक बात सच्चाई की है तो वहां पे कुछ कुर्मी भाई ऐसे भी हैं जिनको खुद को पता है कि ये पहले धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा सेतु हुआ था, और कुछ कुर्मी भाई खुद उसमें शामिल थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि धरती आबा का जो पहले जो 2-3-4 साल पहले जो लग रहा था, उस टाइम उस धरती आबा का यानी कि मूर्ति या बोर्ड स्थापित करने के समय कुर्मी भाई भी थे। मूर्ति स्थापित नहीं हुआ था, बोर्ड स्थापित करने बोर्ड स्थापित हुआ था, ये सेतु का नामकरण, सेतु का नामकरण हुआ था। अच्छा, तो अगला अभी जो ये अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कुर्मी समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि हमारा शहीद का अपमान किया गया है रघुनाथ महतो का, तो जहां तक बात है कि ये रघुनाथ महतो का अपमान का बातें किया जा रहा है, और क्या आपका जो बोर्ड किसने हटाया? देखिए, ऐसा है कि बोर्ड सच्चाई अगर देखा जाए तो बोर्ड कुछ दिन पहले गिर गया था, लेकिन बोर्ड वही था। ठीक है, अब अगर कोई रातों रात बोर्ड को वहां से हटा दे, अच्छा, तो उसका सबूत हम लोग नहीं दे सकते कि बोर्ड कौन हटाया है। सच्चाई ये है कि बोर्ड वहां पे झुका हुआ था, अच्छा, गिरा हुआ था, लेकिन बोर्ड वहां था। अब बोर्ड वहां रहे या ना रहे, लेकिन जब एक बार सेतु का नामकरण हो चुका है, अच्छा, तो उसको चेंज करने का कोई, आप ही बताइए कि क्या इसको, मतलब, क्या, हाँ, हाँ, बताइए बताइए, हाँ। उसको चेंज करने का मतलब कि किसी को अधिकार है क्या? वो भी हम लोग जिनको भगवान मानते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा, बिल्कुल, उनके जगह में किसी और का। अभी आप ही समझिए कि आपका अगर घर है, रातों रात उसमें नेम प्लेट गिर गया, आप 2-3 दिन उसको नेगलेक्ट कर दिया, अब ठीक है हम लगाएंगे या जो भी करेंगे, उसका नाम समझ लीजिए कि महतो निवास है, ठीक है, अब उस महतो निवास का बोर्ड गिर गया और हम रातों रात जाके वहां पे लगा देंगे मुखर्जी निवास, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, एक्सेप्ट तो मान लिया, क्या बोलेंगे, रातों रात हमारा जगह अगर रहेगा तो एक्सेप्ट आप, नहीं करेंगे। अगर आप सही है तो आप दिन दहाड़े कीजिए ना, जैसे हम लोगों ने किया 6 तारीख को,
हम लोगों ने वापस अपना बोर्ड वहीं पे गड़ा। अच्छा, और ये वार्ता हो रही है अभी कुर्मी समाज के कुछ दलालों से। ये पूरे कुर्मी समाज की बात नहीं है, कुर्मी समाज के कुछ दलाल है जो कुर्मी समाज के नाम पे दलाली कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरे कुर्मी समाज की नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कुर्मी भी रहते हैं जो जानते हैं कि इसका नाम क्या है, मतलब उस सेतु का क्या नाम है, क्या नाम है, वो पहले से जानते हैं। ये कुछ कुर्मी समाज के दलाल हैं, जो एक्चुअली कुर्मी समाज के दलाल नहीं है, आरएसएस के दलाल है, जो हम लोग को दो गुट में लड़वाना चाहते हैं। यही बात है। अच्छा, तो अभी जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो वह तानातानी स्थिति उत्पन्न हो गया है। आप लोग अगर देखा जाए, आप बोल रहे हैं कि वहां पे उस लड़ाई में, उस पांच तारीख का ये जो आंदोलन था उसमें भी आप थे। मैं रात भर था, आप रात भर थे कि आप, और जो भी है, आप युवाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर आप कर रहे थे जी। आना, आप आदिवासी नहीं होके भी एक आदिवासियों का सहयोग कर रहे थे। इसके वजह से मुझे काफी सारे फोन भी आ रहे हैं। कैसे फोन आ रहे हैं? कुछ असामाजिक तत्व है, दो तीन फोन आया था मुझे कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुमको देख लिया जाएगा, तो और बिरसा मुंडा तुम्हारा कैसे हुआ। तो जब एक कोई शहीद होता है, जब हम आपके शहीद का सम्मान कर रहे हैं, तो जब एक कोई शहीद होता है तो वो पूरे देश के लिए शहीद होता है, कोई एक कम्युनिटी के लिए शहीद नहीं होता। अच्छा, मतलब आपको फोन भी आ रहा है? फोन भी आ रहा है, कुछ फ्रंट टू फ्रंट धमकियां भी मिली है मुझे। अच्छा, कि तुमको देख लेंगे। तो मैंने भी कहा भाई आज इतना साल से तो सब देख ही रहे हैं, आप भी देख लीजिए। अच्छा, कुछ धमकियां भी आ रही है, फेसबुक में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उसका मैंने रिप्लाई भी दिया है। अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो खैर, हम लोग तो डरने वाले ना थे, ना है, ना रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आपने बोला आपका मन का बात को, ये जो भी है, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी धमकी आ रहा है, चाहे आपको बोला जा रहा है, आप भी यहीं के हैं, वो लोग भी यहीं के हैं। हम अपना पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी बातों को सुलझाने के लिए आपस में एक संवाद जरूरी है। जरूरी है, एकदम जरूरी है। जैसे कि उस दिन रात को उनके सीनियर लीडर आए थे, बड़े भाई बोलते हैं हम उनको, लालटू माथो जी आए थे, उनसे हमारे साथियों का भी बात हुआ, हमारे भी बात हुआ। उन्होंने कहा, और मैंने उनका सम्मान किया, उन्होंने कहा कि हम लोग दो जन आपस में लड़ के क्या ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोनों ही आगे एक जगह में दो मूर्ति को लगाए। अच्छा, तो ये आप ही बताइए, ये तो संभव नहीं है ना। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके घर में मैं नेम प्लेट लगा दूं, और उसके बाद सेकेंड डे आके मैं बोलूं कि आपस में लड़ के कोई फायदा नहीं है, एक रूम में तुम रह जाओ, एक रूम में हम रह जाओ, जबकि घर हमारा है। तो ये तो संभव नहीं है। तो आपके हिसाब से जो अभी पहले बिरसा सेतु के नाम से जाना जा रहा था, अब रघुनाथ माथो का भी लग गया 5 तारीख को जी, अब उसमें क्या फैसला होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये फैसला होना चाहिए कि देखिए, उस जगह पे कुछ दूर आगे में ही, मुझे पूरा प्रॉपर जगह नहीं मालूम है, लेकिन उसी रोड में कहीं पे आगे में मनेन्य शहीद जो हमारे बता रहे कुर्मी भाइयों के, रघुनाथ महतो जी का नामकरण किया गया है, वहां पे वो लगा सकते थे। अच्छा, उससे आगे थोड़ा लगा, हाँ, सकते थे। वो उसी रोड में कहीं पे है, मुझे जानकारी पूरा प्रॉपर जगह का नहीं मालूम है, लेकिन है, डोबो समझ लीजिए, डोबो के आसपास में ही कहीं है, तो वहां पे वो लगा सकते थे। तो हमारा यही वक्तव्य है कि हम लोग यहाँ तो लगाने नहीं देंगे। अच्छा, और वार्ता करने के लिए जैसे बड़े भाई बोले हमारे लालटू महतो जी कि कल सेकेंड डे सुबह 9 बजे वार्ता करेंगे, लेकिन ऐसा कोई वार्ता नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग ने दोपहर को 2:30 से 3 के बीच में हम लोगों ने बोर्ड का वहां पे वापस निर्माण किया। और उसके बाद न्यूज में आया, फेसबुक माध्यम से मैं देखा कि जो दलाली कर रहे थे, अच्छा, वो फेसबुक में लिखते हैं कि हम लोगों ने उनका बोर्ड उखाड़ के और अपना बोर्ड लगाया। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, उनका बोर्ड
मिटाया जरूर गया है। अच्छा, ये बात क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि क्या आपने उन लोगों का मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया है, आप लोगों ने? नहीं नहीं, मूर्ति का क्षतिग्रस्त क्योंकि आपके पास फोटो होगा, उन लोगों ने, जब मेरे पास भी एक फोटो है इस चीज का। ठीक, हम लोग फोटो आप बाद में ये कर दीजिए, हम लोग ये फोटो हम लोग लगा देंगे आप, क्योंकि मूर्ति जब हम लोगों ने, हमारे जो साथी थे हमारे जाने से पहले, वो आक्रोश को नहीं संभाल पाए। आप भीड़ को कभी नहीं संभाल सकते, बिल्कुल, तो वो आक्रोश में आके एक जो बिरसा प्रेमी है वो उस आक्रोश को संभाल नहीं पाए और वो जाके ये चीज किए हैं। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि उनके जो बोर्ड है उसका नाम मिटाया गया है, लेकिन उनके मूर्ति को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया उस टाइम तक। उसके बाद में अगर वो बोलते हैं, अभी देखिए, अगर एक व्यक्ति जब कुछ भी चीज होता है, अभी समझ लीजिए कि अगर रात बिरात उनका मूर्ति अगर कहीं आंधी से भी गिर जाए ना, तो वो यही कहेंगे कि हम लोगों ने गिराया। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा पहले वार्ता करें, लेकिन वार्ता नहीं हुई, तो हम लोगों ने बोर्ड लगा दिया है। अभी आगे का प्रक्रिया क्या किया जाएगा? अभी आप लोग बोर्ड लगाए, आगे आने वाला दिन में क्या आप लोग मूर्ति में बोर्ड को परिवर्तित करेंगे? एकदम जरूर, जरूर करेंगे, वो जरूरी हो गया है। अच्छा, जरूर करेंगे। तो अभी जिस हिसाब से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है कि आप आदिवासी समाज से नहीं है, लेकिन फिर भी आप लड़ रहे हैं, है ना, ये देखा जाता है, तो आपका जो भी है प्यार है, क्या है आपको बिरसा मुंडा जी के साथ में, जिस हिसाब से ये किया जा रहा है, क्योंकि शहीद तो एक शहीद होता है, चाहे रघुनाथ मा तो शहीद हो, चाहे बिरसा मुंडा शहीद। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग सारे शहीद का ही सम्मान करते हैं। झारखंड में कोई एक शहीद नहीं हुआ है। हमारे दिवंगत नेता माननीय निर्मल महतो जी शहीद हुए हैं, हमारे दिवंगत शहीद सुनील महतो जी भी शहीद हुए हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और जहां तक रहा शहीद रघुनाथ महतो जी का, तो मैं उसी दिन 5 तारीख को बंगाल, सॉरी चकुलिया गया था मैं, उसमें भी मेरा कुछ योगदान भी है। चकुलिया आप गए थे? जी, चकुलिया गया था, हम लोगों ने उद्घाटन किया चकुलिया में, रघुनाथ महतो जी शहीद का हम लोगों ने मूर्ति उद्घाटन किया है। और उसके बाद शाम को 5 बजे से हमारे भाई, हमारे साथी इस आंदोलन में शामिल हुए। जब हम उनके शहीद का सम्मान कर रहे हैं, तो उन्हें भी शहीद का सम्मान करना चाहिए। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हो गए हैं कि उनको लगता है कि पर्टिकुलरली शहीद, उनका ही शहीद को सम्मान किया जाए और बाकी शहीदों को सम्मान ना किया जाए, क्योंकि वो कमेंट में लिखते हैं कि हम लोगों ने शहीद रघुनाथ महतो का बोर्ड हटाकर बिरसा मुंडा का बोर्ड लगा दिया। मतलब बिरसा मुंडा जी हमारे शहीद, धरती आवा के आगे में शहीद भी लगाना वो भूल जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जो बोल रहे हैं, हाँ, उनका डायरेक्ट बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, शहीद, हाँ, को नहीं, शहीद भी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, शहीद भी नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह का आक्रोश तो कोई, मतलब कि मनचला ही कर सकता है। एक बात है, जिस हिसाब से आप लोगों को वहां पे देखा जा रहा था कि आप लोग आंदोलन में तीर धनुष के साथ आप लोग थे, है ना, तो तीर धनुष विभिन्न प्रकार के, मतलब ज्यादा नहीं, तीर धनुष और एक दो आप लोग हथियार से लेस थे, जो कि आप लोग ऐसे हथियार आप लोग क्यों लेके आए? ये हमारा पारंपरिक हथियार है, हमारे आदिवासी समाज का पारंपरिक हथियार है। इस हथियार पे भी मैं बोलना चाहूंगा कि रात को करीबन 1:30 बजे जब बड़े भाई लल्टू महतो जी बात करके गए, तो हमारे तो जितने भी साथी थे उनको डर था कि अगर हम लोग रात को चल जाए, तीन लोग वापस से मूर्ति को निर्माण पूरा ना कर ले। हाँ, तो हम लोग रुके हुए थे। जब उनके सीनियर लीडर बोल के गए तो उनको चल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी हथियार के माध्यम से उन्होंने एक फेसबुक में वीडियो बनाया। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, ठीक है। वो जो व्यक्ति के मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारे धरती आवा बिरसा मुंडा के नाम का सेतु उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में वो भी थे। हाँ,
मतलब जो 3-4 साल पहले जब हाँ उसका नाम से सेतु का बनाया जा रहा था वो व्यक्ति था, उस वो व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद थे बिरसा सेतु नामकरण में जी। ठीक है, वो व्यक्ति भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने वीडियो ये बनाया कि हम लोग 4-5 जन हैं, हम लोगों को जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है, ये एक मतलब कि आपसी लड़ाई करने का। और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स भी पास हो रहे थे रात में, लेकिन मैं अपने सारे साथियों को संभाल के रखा था और वो सुन भी रहे थे हमारे साथी सारे, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मेरा भी फेसबुक लाइव चल रहा था, आधा से ज़्यादा साथी रोड में दरी बिछा के सोए हुए थे। ठीक है, रोड में दरी बिछा के सोए हुए थे, आधा से ज़्यादा साथी कहीं बाइक में है, कोई खड़े हैं, तो बहुत सारे इस तरह का तनाव करने का कोशिश किया गया और वीडियो भी बनाया गया जिसमें कहा गया कि हम लोग हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग उनको जान से मार सकते हैं, इस तरह का कुछ बात वो वीडियो में कहे। तो उनके बाद हम लोगों ने भी वीडियो बनाया और जो व्यक्ति इस वीडियो को बनाए हैं उनका फेसबुक डीपी में ये हथियार को प्रदर्शन करते हुए उनका खुद का डीपी है। अगर ये हथियार है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के ऊपर में प्रदर्शन के लिए केस होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये पारंपरिक हथियार है, ये मतलब पारंपरिक हथियार हाँ है। आप अपना जहां भी मतलब प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमें ये अधिकार प्रशासन भी नहीं छीन सकती, हम ये अधिकार को लेके घूम सकते हैं। प्रशासन तो वहां पे था, प्रशासन के सामने है, प्रशासन रात भर प्रशासन की पीसीआर हम लोग के सामने खड़ी थी। तो अभी तो आप अंतिम शब्दों में हम चाहेंगे कि ये बात न पक्ष का हो न विपक्ष का हो, और ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं है ना, ये जो संवाद स्थापित करने का जो एक जरिया किया जा रहा है, इस वीडियो को हमने जो भी देख रहे हैं इसको यानी कि इसको कंट्रोवर्सी के रूप में ना देखे, इसको एक दिल का बात का रूप में देखे, क्योंकि आंदोलनकर्ता में थे, तो आंदोलनकर्ता में थे वहां पर सेतु में ये भी थे, तो ये बताना चाह रहे हैं, अपना एक बात को रखना चाहते हैं, क्योंकि ये वह आप शुरू से अंतिम तक ये आंदोलन कर रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो को आप सकारात्मक रूप में ले, ना कि किसी समाज को किसी समाज के दुश्मन को के साथ में ना देखे। और हमने भी हमेशा कोशिश किया, हमने भी वहां पे कुछ टाइम बिताया, एक तरफ आदिवासी समाज के लोग थे, एक तरफ कुर्मी समाज के लोग थे, हमने दोनों तरफ से वीडियो बनाने का कोशिश किया, चाहे हमारे इधर का भाई हो, चाहे अंकित जी वहां पे नेतृत्वकर्ता कर रहे थे, वो भी हम उनसे भी हमने बाइट लिया, आप लोग बाइट देख सकते हैं। एक वीडियो में तो हमने ऐसे डाला कि पहले एक तरफ का डाला, फिर दूसरा तरफ का, फिर एक तरफ का, फिर दूसरा तरफ का, आप लोग जिसमें वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है कि हम इस संवाद को जो कर रहे हैं इसको नेगेटिव बिल्कुल ना लें। तो हम अंतिम शब्दों में यही आपको गुजारिश करूंगा कि आपके साथ में जो भी वार्ता किया जा रहा है, चाहे कुछ भी किया जा रहा है, तो एक समाज को बांधने के लिए, समाज को तोड़ने का ना हो, इस प्रकार का आपके तरफ से एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, मेरे तरफ से यही मैसेज रहेगा कि चाहे कुर्मी भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, कोई भी हो, हम लोग सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। तो किसी भी तरह की दलाली जो करते हैं, चाहे मैं ये नहीं बोलता है कि आदिवासी समाज में कोई दलाल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाबा बिरसा मुंडा के नाम पे कोई भी अभी भी हमको ना खुद कुर्मी भाई भी बहुत सारे भाई हैं जो उनको भी पता है कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, और इस तरह का जो है इसमें हमारा भाईचारा टूटता है, और भाईचारा को बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले टूसू घाट का जब आंदोलन हुआ था तो उसमें जो हमारे भाई है, हमारे एक भाई है जिनको काफ़ी बदनाम किया जा रहा, दिनकर कश्यप, एक हमारे सुनील हेमरम जी है, उनको काफ़ी बदनाम किया जा रहा, तो ये उस आंदोलन में शामिल थे, तो भाईचारा इन्होंने दिखाया है टूसू घाट में भाईचारा इन्होंने दिखाया है। बिल्कुल, अगर भाईचारा की बात करते हैं तो भाईचारा इन्होंने दिखाया है, तो दोनों तरफ से अगर भाईचारा रहे तो ऐसा ना हो कि
दो जन के लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा के निकल जाए, तो हम यही चाहेंगे कि दोनों आपस में वार्ता करके उसका एक सलाह निकाला जाए, क्योंकि ना आप मेरे घर घुसिए ना हम आपके घर घुसे, दोनों भाईचारे में रहें। बस यही समाज में मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण समाज से आता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे धमकियाँ आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं कुर्मी आंदोलन में कुछ भी सहयोग मेरा नहीं है, या जहाँ तक आप अपने आंदोलन अपने हक की बात कर रहे हो तो कोई आपके बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर किसी के घर में घुसोगे तो फिर उसका विरोध करने के लिए आदमी चुप नहीं रहेगा, आदमी बोलेगा ही। सबसे पहली बात है कि आदिवासी समाज बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, इसी चीज़ का आदमी हर व्यक्ति फायदा उठाता है, हर व्यक्ति तो, लेकिन बोला जाता है सोया हुआ शेर को ज़्यादा ना छेड़ा जाए। इसमें कुर्मी समाज भी बदनाम हो रहा है, तो इस चीज से बचें। चलिए तो हम लोग संवाद यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव में ले, और ये जो आप देख रहे हैं उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि ये समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचे, ताकि इनका जो बात है इनका जो आवाज है इनका सभी के पास पहुंचे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को और ये आगे भी बने रहने के लिए या हमारा चैनल में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करें। उम्मीद है कि हम लोग इस वीडियो को संवाद के रूप में देखें, पॉजिटिव के रूप में देखें, तो पब्लिक एक्शन न्यूज को देखते रहने के लिए यानी बने रहने के लिए आप जो अभी है तो अंतिम शब्दों में आपको धन्यवाद।